हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे हैं प्रमुख मुद्रामान, जिसके तीसरे पार्ट में पहुँचे हम, जिसमें हम पत्र मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एकल नोट निर्गमन प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं कि जब नोट निर्गमन का कार्य केवल एक ही बैंक करता है तथा एक ही बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार दिया जाता है, तो उसे एकल नोट निर्गमन प्रणाली कहते हैं। एकल नोट निर्गमन प्रणाली के लाभ या गुण क्या क्या होते हैं? पिछली वीडियो में आपने बहुल निर्गमन प्रणाली के दोष पढ़े थे। उन्हीं दोषों से बचने के लिए विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने नोट निर्गमन में बहुल प्रणाली का परित्याग करके एकल नोट निर्गमन प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसमें देश का प्रमुख बैंक, जिसके अंदर सामान्यतः देश का केंद्रीय बैंक होता है, वह नोट के निर्गमन का कार्य करता है। इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें? एक रूपता। एक ही बैंक द्वारा नोट निर्गमन करने से वह भिन्न भिन्न आकार के मूल्यों के नोट जारी करने के बावजूद एक ही मूल्य के नोटों में एकरूपता बनी रहती है। उसमें शीघ्र परिचायकता होने के कारण जालसाजी और नकली नोटों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। पारस्परिक प्रतियोगिता का अभाव। चूँकि एक ही बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार दिया जाता है, तो दूसरे बैंकों से प्रतियोगिता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे जनहित की सुरक्षा होती है। मितव्ययता। एक ही बैंक के द्वारा नोट निर्गमन करने पर धात्विक कोष भी कम ही रखने पड़ते हैं। बड़े पैमाने पर नोट छापने में सस्ता पड़ता है। कुशल, सुयोग्य एवं विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग कर मौद्रिक नीति को सफल बनाया जा सकता है तथा प्रतिस्पर्धा न होने से फालतू के खर्चों से भी बचा जा सकता है, जिससे देश को राष्ट्रीय संकट में सुरक्षा मिलती है, सुविधा रहती है। देश को राष्ट्रीय संकट में सहायता इसी बैंक के माध्यम से मिल सकती है। मुद्रा प्रसार का भय नहीं। मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन रखा जा सकता है। केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर मांग और पूर्ति में साम्य रखने का प्रयास करता है। बैंक दर एवं अन्य विधियों के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति और मांग में संतुलन बनाए रखता है। चलन में अधिक नोटों के निर्गमन का किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। सरकार का प्रभावी नियंत्रण। चूँकि यह एक ही बैंक द्वारा नोट निर्गमन किया जाता है, अतः इस मौद्रिक व्यवस्था में सरकार इस पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती है और इसमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जैसा कि हम बहुल नोट निर्गमन प्रणाली में देखते हैं कि विभिन्न बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करने में बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक ही बैंक को अधिकार देने से इस प्रकार की समस्याएं पैदा नहीं होती है। नोट निर्गमन का लाभ। एक ही स्थान पर बैंक रहने से सरकार इसे नियंत्रण में लेकर जनता के लिए प्रयोग में ला सकती है, जनहित के लिए कार्य कर सकती है। इस प्रकार एकल प्रणाली ही अधिक उपयुक्त और सार्थक प्रतीत होती है। एक बैंक में देश के केंद्रीय बैंक सबसे उपयुक्त संस्था होती है, जिसे नोट निर्गमन का कार्य सौंपा जाना चाहिए। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में अब मौद्रिक नीति का संचालन वहां का केंद्रीय बैंक ही करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। पत्र मुद्रा निर्गमन के सिद्धांत। पत्र मुद्रा निर्गमन के दो सिद्धांत प्रमुखतः है होते हैं, जिसमें चलन सिद्धांत और बैंकिंग सिद्धांत। चलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कागजी नोटों की निकासी
इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए उसकी मात्रा पर नियंत्रण तभी रह सकता है जब पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% धातु कोष रखे जाएं, अर्थात मुद्रा का निर्गमन धातु कोषों के आधार पर निर्भर रहता है। अगर देश में धातु का आयात होता है तो धातु कोष के अनुपात में मुद्रा बढ़ाई जा सकती है, और अगर निर्यात होता है तो मुद्रा की मात्रा कम की जा सकती है। यह जनता के विश्वास को बनाए रखने की दृष्टि से उपयुक्त है। संक्षेप में यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जिससे मुद्रा की धातुओं में परिवर्तनशीलता हो, अति निर्गमन न हो सके, मूल्य स्थायित्व का दायित्व निभाया जा सके। इस सिद्धांत में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? चूंकि यह सिद्धांत नोट निकासी के पीछे 100% स्वर्ण या धातु कोष रखने की मान्यता पर काम करता है, जिससे मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनशीलता बनी रहती है, मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता क्योंकि मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोषों के बढ़ने पर ही बढ़ना संभव होती है, मूल्यों में स्थायित्व रहता है, और पूर्ण परिवर्तनशीलता के कारण जनता इसमें विश्वास करती है। चलन सिद्धांत के दोष। इस सिद्धांत की कई प्रकार के दोष हैं, जैसे लोचता का अभाव। इस सिद्धांत में मूल्य स्थायित्व के उद्देश्य के पीछे मुद्रा की लोच की बलि दे दी जाती है। अमितव्ययतापूर्ण। यह सिद्धांत बहुत खर्चीला होता है क्योंकि 100% धातु या स्वर्ण रखना पड़ता है। बहुमूल्य धातुओं के बेकार पड़ रहने पर उन पर ब्याज की हानि उठानी पड़ती है, और साथ ही साथ प्रबंधन आदि का भी खर्च होता है। साख की उपेक्षा। यह सिद्धांत आधुनिक साख की उपयोगिता एवं आवश्यकता की उपेक्षा करता है। अव्यवहारिक और असामयिक सिद्धांत है। मुद्रा को धातु कोषों से बांधना एक प्राचीन और अंधविश्वासी प्रवृत्ति है। विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि न तो उनके पास में इतना स्वर्ण ही होता है और न ही वे स्वर्ण कोष की विलासिता के भार को सहन करने की स्थिति में होते हैं। संकट काल में भी यह सिद्धांत सहयोग नहीं देता है। दूसरा सिद्धांत जो है वह है बैंकिंग सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है मुद्रा निर्गमन व्यवस्था यथेष्ट लोचदार एवं मितव्ययतापूर्ण होने के साथ साथ सामयिक होनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था की मुद्रा संबंधी मांग सरलता से पूरी की जा सके। व्यवहारिक जीवन में मुद्रा में जनता का विश्वास धातु कोषों की परिवर्तनशीलता की क्षमता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों की सुदृढ़ता और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। अतः बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार नोट निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक निश्चित अनुपात में ही कोष रखे जाते हैं। इस सिद्धांत के गुण। पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे थोड़ी मात्रा में ही कोष रहने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिसमें मितव्ययता बनी रहती है क्योंकि कुछ प्रतिशत धात्विक कोषों से ही काम हो जाता है और बचे हुए कोषों को लाभदायी कार्यों में प्रयोग में लिया जा सकता है। पूर्णतः लोचदार बनी रहती है। नोट निर्गमन की मात्रा से आसानी से मुद्रा की मात्रा बढ़ाई और घटाई जा सकती है, अतः मुद्रा प्रणाली में लोच बनी रहती है। साख क्षमता का भी लाभ उठाया जा सकता है। यह प्रणाली संकट काल की स्थिति में भी उपयुक्त रहती है। विकासशील तथा धनी सभी राष्ट्रों के लिए यह समान रूप से उपयोगी एवं लाभकारी है। बैंकिंग सिद्धांत के दोष। चूंकि मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% कोष नहीं रखे जाते हैं, ऐसी स्थिति में मुद्रा में स्वर्ण में परिवर्तनशीलता न होने के कारण जनता कम विश्वास करती है। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से मुद्रास्फीति का भी भय बना रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत श्रेष्ठ है, चलन का सिद्धांत या बैंकिंग का सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांतों के अपने अपने गुण दोष हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जनता के विश्वास के दृष्टिकोण से तथा मूल्य स्थिरता की दृष्टि से चलन सिद्धांत उपयुक्त रहता है, पर आज जनता का विश्वास मुद्रा की परिवर्तनशीलता पर
उतना निर्भर नहीं करता जितना कि सरकार की नीति एवं सुव्यवस्था पर निर्भर करता है, तथा मूल्य स्थायित्व भी मुद्रा प्रणाली की लोच पर आधारित है। आज विश्व में मुद्रा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उनके पीछे 100% धात्विक कोष रखना संभव नहीं है, क्योंकि धातुओं की पूर्ति कम होती जा रही है। अतः व्यवहारिकता, मितव्ययता और मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोचता के लिए बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार ही मुद्रा का निर्गमन करना श्रेष्ठ रहता है। यह संकट काल में तथा विकासशील देशों, पिछड़े देशों सभी के लिए उपयोगी रहता है, क्योंकि इसमें मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा के साथ साथ लोचता का गुण भी निर्भर रहता है। नोट निर्गमन की पद्धतियां एवं तरीके। प्रत्येक देश द्वारा आवश्यकता अनुसार नोट निर्गमन की रीति और विधि को निर्धारित किया जाता है। इसकी अनेक रीतियां हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है निश्चित विश्वास आश्रित निर्गमन पद्धति। इस रीति के अंतर्गत एक निश्चित निर्धारित सीमा तक नोटों की निकासी के लिए कोई धात्विक कोष नहीं रखा जाता, परंतु उस सीमा के पश्चात नोट निर्गमन करने पर सभी अतिरिक्त नोटों की निकासी के लिए पीछे 100% कोष रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार जितनी राशि के नोट बिना धातु कोष से निकाले जाते हैं उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। इस नीति को निश्चित आरक्षित नोट निर्गमन पद्धति भी कहा जाता है। सरकार आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण निर्धारित सीमा में संशोधन कर सकती है, यानी उसे घटा बढ़ा भी सकती है। इस पद्धति के गुण दोष। इस नीति में मुद्रास्फीति का भय बना रहता है, परिवर्तनशीलता जनता के विश्वास का गुण है, परंतु लोचता के अभाव के कारण, मितव्ययता और अव्यवहारिक होने के कारण यह दोषपूर्ण भी है। अगला है अधिकतम विश्वास आश्रित निर्गमन पद्धति या रीति। इस पद्धति में नोट निर्गमन के लिए एक अधिकतम सीमा तक नोट निकासी के पीछे कोई धात्विक कोष नहीं रखा जाता और उस सीमा के बाद नोट निर्गमित नहीं किए जा सकते, चाहे सरकार 100% धातु रखने के लिए ही तैयार क्यों न हो। सरकार को नोट निकासी अधिनियम में संशोधन करके इस अधिकतम सीमा को घटा बढ़ा सकती है, यानी कि बिना अधिनियम में संशोधन करे इसके अंदर नोट निर्गमन की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रणाली के भी अनेक गुण दोष हैं। यद्यपि इस प्रणाली में स्वर्ण कोषों की बचत होती है, चलन में आधिक्य का अभाव रहता है, मुद्रा प्रणाली में कुछ सीमा तक लोच पाई जाती है, परंतु यह रूढ़िवादी, कम लोचपूर्ण और अव्यवहारिक है, क्योंकि सरकार को अपने अधिकारों का एक सीमा तक दुरुपयोग करने पर रोकती है, लेकिन यह अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार कार्य न करने पर मुद्रास्फीति जैसे घातक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आनुपातिक निधि प्रणाली। यह पद्धति बैंकिंग सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत नोट निर्गमन के पीछे 100% रिजर्व नहीं रखकर केवल उसके एक निश्चित प्रतिशत के रूप में धात्विक कोष रखे जाते हैं और शेष भाग के पीछे सरकारी प्रतिभूतियां या प्रथम श्रेणी के व्यापारिक पत्र या सिक्योरिटीज रखी जाती है। भारत में इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके भी अपने गुण दोष हैं। इस प्रणाली में मुद्रा में पर्याप्त लोचता बनी रहती है, क्योंकि 100% कोष नहीं रखना पड़ता, केवल थोड़ा सा कोष रख करके मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। इसमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है और चलन आधिक्य पर भी रोक लगती है, क्योंकि बिना धात्विक कोषों में वृद्धि किए नए नोट निर्गमन नहीं किए जा सकते। इसके अनेक दोष भी हैं, क्योंकि इसमें स्वर्ण कोष बेकार पड़ जाते हैं जिनका दूसरे कामों में उपयोग नहीं लिया जा सकता। परिवर्तनशीलता एक काल्पनिक है, क्योंकि नोटों के निर्गमन के पीछे केवल एक निश्चित प्रतिशत ही
राशि रखी जाती है, कोष रखे जाते हैं, बाकी मुद्रा की प्रति परिवर्तनशीलता पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुद्रा को कम करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि मुद्रा संकुचन में एक साथ बहुत सारी मुद्रा कम करना संभव नहीं होता। संकट काल में यह पद्धति बाधा उत्पन्न करती है। यह विकासशील और गरीब देशों के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है। आंशिक स्वर्ण कोष सहित अनुपातिक निधि पद्धति, यह पद्धति आधुनिक कोष प्रणाली या अनुपातिक कोष प्रणाली का संशोधित रूप है। इसके अंतर्गत नोट निगमन के पीछे एक निश्चित अनुपात में धात्विक कोष तो रखने की व्यवस्था है, पर विशेष रूप में स्वर्ण की एक न्यूनतम कोष सीमा भी निर्धारित कर दी जाती है, जिससे कम उतना स्वर्ण तो कोष में रहे ही रहे, बल्कि रजत या विदेशी ऋण पत्रों को भी रखा जाता है। इस पद्धति के गुण दोष, इसमें लोचता, मितव्ययता, परिवर्तनशीलता एवं जनविश्वास के गुण हैं, जबकि यह मुद्रा पद्धति संकट काल में अनुपयुक्त एवं लोचहीन रहती है, क्योंकि इसमें भी अत्यधिक धातु कोष बेकार पड़े रहते हैं, जो गरीब और विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त हैं। एक सीमा तक स्वर्ण भी सुरक्षा हेतु कोषों के अंदर रखा जाता है, जिससे अनावश्यक व्यय की वृद्धि होती है और उसका लाभप्रद कार्यों में उपयोग भी नहीं किया जा सकता। न्यूनतम कोष प्रणाली, इस पद्धति के अंतर्गत नोट निगमन के लिए धात्विक एवं विदेशी मुद्रा कोष की एक निश्चित न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है और देश के मौद्रिक अधिकारी इस न्यूनतम कोष के आधार पर आवश्यकता अनुसार कितनी भी राशि के नोट निकालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। किसी भी हालात में कोष न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकता। हाँ, विशेष विधान द्वारा संशोधन करके इसकी न्यूनतम सीमा को कम किया जा सकता है। देश में 1957 से यह पद्धति प्रचलन में है। इसके भी अनेक गुण दोष हैं। इसमें लोचता बनी रहती है, क्योंकि न्यूनतम सीमा के बाद किसी भी सीमा तक नोट निकाले जा सकते हैं। यह पद्धति मितवई है, क्योंकि अधिक धात्विक कोष व्यर्थ में नहीं पड़े रहते, विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली के दोष, मुद्रास्फीति का भय बना रहता है, क्योंकि न्यूनतम सीमा के बाद कितने भी नोट जारी करना आसान काम हो जाता है। परिवर्तनशीलता का अभाव बना रहता है और मुद्रा में धीरे धीरे जनता का विश्वास कम होने लगता है। साधारण निधि प्रणाली, यह पद्धति पूर्ण चलन सिद्धांत पर आधारित नोट निगमन पद्धति है। इसमें नोट निगमन अधिकारी को नोटों के पीछे 100% धात्विक कोष रखना पड़ता है। कागजी मुद्रा अपरिमित मात्रा में स्वर्ण तथा चांदी में परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार से यह प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, जो स्वर्ण या रजत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके प्रचलन से चलन में धातु के घिसावट से बचत हो जाती है और मुद्रा हस्तांतरण सुविधाजनक हो जाता है। इस पद्धति के भी अनेक गुण दोष हैं, जिसमें गुणों के रूप में जनता का विश्वास बना रहता है, मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता। यह एक पूर्ण परिवर्तनशीलता पर आधारित पद्धति है। इसमें अनेक दोष भी है, क्योंकि ये खर्चीली पद्धति है, धात्विक कोष बेकार पड़े रहते हैं, लोचता का प्राय अभाव पाया जाता है, क्योंकि बिना धात्विक कोषों में वृद्धि के अधिक मुद्रा निर्गमन करना संभव नहीं होता, गरीब और विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है। वर्तमान युग में यह अव्यवहारिक पद्धति है, संकट के समय में यह पद्धति साथ नहीं देती है। अंतिम है हमारा कोषागार विपत्र निधि पद्धति। यह पूर्णतः आधुनिक विचारधारा पर आधारित पद्धति है, जिसकी मान्यता यह है कि जनता का मुद्रा में विश्वास उनकी परिवर्तनशीलता में निहित नहीं होकर सरकार की सुदृढ़ता, आर्थिक नीतियों एवं राजनीतिक सुव्यवस्था पर निर्भर करता है। अतः इस पद्धति में नोट निगमन के लिए सरकारी बॉन्ड और
रखे जाते हैं, यहाँ धात्विक कोष नहीं रखे जाते। कोषागार विपत्र एक प्रकार के अल्पकालीन सरकारी प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो केंद्रीय बैंक को दिए जाते हैं। पत्र मुद्रा निर्गमन की वृद्धि के साथ साथ कोष में इन बॉन्ड और विपत्रों की संख्या बढ़ जाती है। व्यवहारिक रूप में यह पद्धति 1902 में भारत में तथा 1913 में अमेरिका में अपनाई गई थी। इस प्रणाली में हमने नोट निर्गमन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा और सबके गुण दोषों के बारे में चर्चा की, परंतु प्रश्न ये उठता है कि नोटों के निर्गमन का कौन सा तरीका श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई भी एक प्रणाली ऐसी नहीं है जिसमें सभी गुण हो या सर्वगुण संपन्न हो। अतः इस पर प्रश्न का उत्तर बहुत ही कठिन है कि कैसे दिया जाए कि कौन सा तरीका श्रेष्ठ है, क्योंकि नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है इसके लिए निर्धारण करते समय हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या तो ये है कि क्या धातु कोषों तथा पत्र मुद्रा के बीच में से किसी एक पद्धति का चयन किया जाए, और दूसरा यह है क्या नोट निर्गमन के लिए देश को स्वर्ण या रजत कोष रखना पर्याप्त होना चाहिए, यानी इन समस्याओं का हमें समाधान करना है। पत्र मुद्रा का संबंध धातु कोषों से इसलिए रखा जाता है ताकि नोटों की परिवर्तनशीलता से जन विश्वास बना रहे तथा सरकार नोट निर्गमन के अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। परंतु आजकल नोट का निर्गमन कार्य देश का केंद्रीय बैंक करता है, अतः सरकारी हस्तक्षेप की संभावना अधिक नहीं रहती। नोटों का निर्गमन व्यवस्थित ढंग से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशुद्ध आर्थिक आधार पर होता है, ताकि साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों में सामंजस्य बिठाया जा सके। अतः धात्विक कोषों की मात्रा पत्र मुद्रा निर्गमन से विशेष संबंध रखना आवश्यक नहीं रह गया। विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व तथा विदेशी भुगतान क्षमता को बनाए रखने के लिए धात्विक कोषों की मात्रा मुद्रा निर्गमन की मात्रा पर निर्भर न रहकर विदेशी भुगतानों की शोधन क्षमता के बराबर ही होनी चाहिए। अतः पत्र मुद्रा का निर्गमन देश के केंद्रीय बैंक द्वारा होना चाहिए तथा धात्विक कोषों का निर्धारण देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में मितव्ययता, लोचता, चलनाधिक्य से सुरक्षा के साथ साथ परिवर्तनशीलता, निश्चितता, स्वचालिता के गुणों का होना भी आवश्यक है। सरकार का हस्तक्षेप केवल राष्ट्रीय हित में ही किया जाना चाहिए। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ नोट निर्गमन की पद्धति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पत्र मुद्रा के विभिन्न रूप। सुरक्षित कोषों तथा पत्र मुद्रा की परिवर्तनशीलता के आधार पर पत्र मुद्रा के तीन प्रकार या रूप बताए गए हैं, जिसमें प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, यह पत्र मुद्रा का प्रारंभिक रूप है, जबकि पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखे जाते थे। पत्र मुद्रा सोने चांदी के आरक्षित कोषों का प्रतिनिधित्व करती थी। पत्र मुद्रा को कभी भी किसी भी सीमा तक धातु में परिवर्तित किए जाने की क्षमता रहती थी। यह चलन सिद्धांत पर आधारित मुद्रा कहलाती थी। इस प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के गुण इस प्रकार हैं, इसमें जनता का विश्वास बना रहता है, बहुमूल्य धातुओं की घिसावट से बचत हो जाती है क्योंकि प्रचलन में पत्र मुद्रा रहती है, इसमें मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता क्योंकि सरकार को धात्विक कोष रखने पड़ते हैं, अतः यहाँ चलन आधिक्य की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। इसके अनेक दोष भी हैं, जैसे यह अमितव्ययी रहती है क्योंकि बहुमूल्य धातु कोष बेकार में पड़े रहते हैं, यह मुद्रा प्रणाली बेलोचदार है, यह पत्र मुद्रा निर्धन राष्ट्रों के लिए संभव नहीं है, यह रूढ़िवादिता पर आधारित पद्धति है। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इस प्रकार की पत्र मुद्रा बैंकिंग सिद्धांत पर निर्गमित पत्र मुद्रा होती है। इस प्रकार की मुद्रा के निर्गमन के पीछे मुद्रा अधिकारी एक निश्चित अनुपात में धात्विक कोष रखते हैं,
जब किसी देश में ऐसे नोट जारी किए जाते हैं कि उनको किसी भी समय प्रधान सिक्कों में बदला जा सकता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। परिवर्तनशीलता का अर्थ यहाँ केवल विधिगत है, ये प्रमाणिक मुद्रा में बदले जाने तक ही सीमित है, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में नहीं। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विशेषताएं। मुद्रा निर्गमन अधिकारी नोटों के पीछे एक निश्चित अनुपात में सोना और चांदी रक्षित कोष के रूप में रखता है। नोटों के बदले खजाने से सोना चांदी परिवर्तन की गारंटी दी जाती है। जनता अपने विदेशी भुगतानों के लिए सोना चांदी सरकार से खरीद सकती है। रक्षित कोषों में न केवल सोना चांदी होता है, बल्कि कुछ भाग के रूप में प्रधान सिक्के, सांकेतिक सिक्के व स्वीकृत प्रतिभूतियां रखी जाती है। सरकार पूर्व निश्चित दर पर सोना चांदी बेचने के लिए तैयार रहती है। नोटों का चलन तभी रहता है जबकि जनता का मौद्रिक अधिकारी में विश्वास हो। इस प्रणाली में भी आनुपातिक प्रणाली के समान ही गुण दोष पाए जाते हैं। अगला है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बाद में हम पढ़ेंगे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। जब देश में ऐसे मुद्रा का चलन किया जाता है जिसके बदले में सरकार द्वारा सिक्के तथा मूल्यवान धातु देने की कोई गारंटी नहीं दी जाती और न ही सरकार को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है, तो उसे परिवर्तनीय मुद्रा नहीं कहा जाता। यह एक प्रकार से अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा का चलन केवल सरकार की साख और जनता के विश्वास पर रहता है। विशेषताएं। इस प्रकार की मुद्रा पहले संकट काल में ही निकाली जाती थी, पर अब यह सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। मुद्रा निर्गमन के पीछे धात्विक कोष न्यून या नहीं के बराबर होते हैं। सरकार न तो नोटों को सोने चांदी में परिवर्तन की गारंटी देती है, न ही वह इसके लिए बाध्य हैं। यह मुद्रा पूर्णतः जनविश्वास एवं सरकारी साख पर निर्भर करती है। भारत में युद्धकाल में जारी किए गया एक रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का अनुपम उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भी अनेक देशों ने इस तरह की अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा जारी की थी।